ध्यान रखना पुत्र, भविष्य में तुम्हारा कोई भी मित्र कहे या कोई और, अपने वरदानों की शक्ति का प्रयोग तब तक मत करना जब तक सच में उसकी आवश्यकता ना हो। किंतु माँ, मुझे कैसे ज्ञात होगा कि अपनी शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता है भी या नहीं? आओ, मैं बताती हूँ। हनुमान, ये शाक देख रहे हो पुत्र, इसे चाकू से ही काटा जाना चाहिए, ना कि तलवार से। अर्थात शाक की आवश्यकता चाकू से पूरी होती है, ना कि तलवार से। मैं सब समझ गया माँ। चलो। ये चूल्हा देख रहे हो पुत्र, इसमें उतनी ही आंच रखी जाती है जितने में भोजन पक जाए। अधिक लकड़ी जलाई जाने से भोजन जल भी सकता है, और यदि कम लकड़ी जलाई गई तो भोजन पकेगा ही नहीं। मैं समझ गया माँ, भिन्न भिन्न परिस्थिति में भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकता होती है। जो काम छोटी शक्ति से हो जाए उसके लिए हमें बड़ी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ पुत्र, जो काम तुम सहजता से कर सकते हो उसके लिए वरदान की शक्तियों का प्रयोग करना अनुचित है। यदि किसी के प्राण संकट में हो, या कोई दुर्घटना घटने वाली हो, या प्रजाजन संकट में पड़ गए, तब तुम अपनी वरदान की शक्ति का प्रयोग करो, और वो भी उसके परिणाम के विषय में सोच विचार करके पूर्ण समझदारी के साथ। मैं अब ऐसा ही करूंगा माँ। बलबला बलबल, सोच विचार करोगे हनुमान, अब मुझे तुम्हारी शक्तियाँ देखने के लिए कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। बलबला बलबल। लंकेश, अब ये कवच सिद्ध हो गया है। लंकेश, ये कवच तुम्हारी रक्षा के लिए प्रस्तुत है। इसे धारण करते ही तुम अवध हो जाओगे। नर और वानर कोई भी तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा। अब यह सारा संसार तुम्हारे चरणों में होगा। इसे धारण करते ही तुम तीनों लोकों को भी धारण करने योग्य हो जाओगे। धारण करो इसे लंकेश।
विष्णु अब तेरा कोई छल कपट नहीं चलेगा। चाहे तूने इस धरती के किसी भी कोने में जन्म ले लिया हो, चाहे तुम सारे देवता मिलकर उस तुच्छ वानर बालक को जितनी चाहे शक्तियां दे दो, अब मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। मैं अजय हूं, अपराजय हूं, अवध्या हूं मैं। मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। सुना तूने विष्णु? मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। अब मैं निकलूंगा अपने रक्षा कवच के साथ परिभ्रमण करने के लिए। दशानन रावण की जय। दशानन रावण की जय। लंकेश रावण की जय। क्या कोई सदैव अपराजय रह सकता है? कुछ स्थायी नहीं है संसार में। समय परिवर्तनशील है। सब कुछ समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। किंतु हां, भक्ति कभी परिवर्तित नहीं होती। भक्ति से आंतरिक शक्ति प्रबल होती है। वो शक्ति आत्मत्याग के लिए प्रेरित करती है। और जब मनुष्य सच्चा आत्मत्याग करता है, तभी उसकी आत्मा ईश्वर के प्रति पूर्णतः रूप से समर्पित हो पाती है। किंतु स्वामी, आत्मत्याग बहुत ही कठिन साधना के द्वारा ही संभव होती है। हाँ मित्रविंदा, किंतु जिसने ये कठिन साधना कर ली, उसे ना तो मृत्यु का भय रहता है और ना ही स्वर्ग के सुख की कामना। अजय हो जाता है वो। उसकी देह तो पराजित हो सकती है, किंतु आत्मा नहीं। इसीलिए रावण या अन्य मनुष्यों की भांति भय, वासना और लालच के नाम पर बाहरी सुरक्षा कवच ढूंढने के स्थान पर आंतरिक सुरक्षा कवच की सिद्धि करनी चाहिए, जो आत्मा को सुरक्षित करती है। और उसकी सिद्धि तभी होती है जब आत्मा भक्ति भाव के साथ परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है। अरे वाह, इतने सुंदर उपहार, नए नए अंग वस्त्र, नए आभूषण। अरे वाह, कितना सुंदर है ये और कितना चमक रहा है, बिल्कुल दर्पण के भांति। माँ, ये कितना सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ, मैं इसे अभी पहन लूँ? अभी नहीं पुत्र, समय है अभी। पहले तुम्हारा राज तिलक होगा, तुम युवराज बनोगे तब। नानी, युवराज तो मैं अभी भी हूँ ही ना, सब मुझे युवराज कहते हैं। युवराज बनने के लिए उत्सव का आयोजन क्यों? पुत्र, इस उत्सव में तुम्हें विधिवत युवराज घोषित किया जाएगा और उसके बाद तुम्हारे कुछ नए कर्तव्यों का आरंभ होगा। तुम्हारे उत्तरदायित्व भी बढ़ जाएंगे। जानते हो ना,
कर्तव्य और उत्तरदायित्व का अर्थ क्या होता है? हाँ नानी जी, मुझे सब ज्ञात है। चक्रासुर के समय में भी मैंने अपना उत्तरदायित्व निभाया था और ज्वालामुखी के विस्फोट के समय भी मैंने अपना कर्तव्य निभाया था। पुत्र हनुमान, वीरता और युद्ध ही कर्तव्य नहीं होते युवराज बनने के लिए, प्रजा के हित का भी ध्यान रखना होता है। रणनीति से लेकर राजनीति तक सबका ज्ञान होना आवश्यक है युवराज बनने के लिए। इतना सब कुछ? हाँ पुत्र, कृषि का प्रबंध, उद्योग और व्यापार की व्यवस्था, संगीत, साहित्य, कला, नाट्य का प्रबंधन, यही नहीं धर्म कर्म और यज्ञ, ये सब कुछ तुम्हें सीखना और समझना होगा पुत्र। इतना सब कुछ? हाँ पुत्र, अपने आचरण और कर्मों से तुम्हें पिताश्री, मेरे राज तिलक के लिए इतने नए नए आभूषण। अंजना, इतनी उदास क्यों हो? संस्कार, समझ और अनुभव कोई औषधि नहीं है जो घोल कर पिला दी और बालक को ज्ञान प्राप्त हो गया? हमें निरंतर प्रयास करना होगा और देखना हमारा हनुमान शीघ्र ही सब कुछ सीख जाएगा। माँ, मैं ये सब अपने मित्रों को दिखाऊं? उत्सव में तो सब देख ही लेंगे ना। मैंने तुम्हें समझाया था ना, किसी भी प्रकार का दिखावा करना अनुचित है। वस्त्र आभूषण हो, धन संपदा हो या शक्ति बल, किसी भी प्रकार का अनावश्यक दिखावा नहीं करना चाहिए पुत्र। मैं सब समझ गया माँ, और मुझे ये भी स्मरण है कि अपनी वरदानी शक्ति का प्रयोग तभी करना चाहिए जब सच में उनकी आवश्यकता हो। कितना श्रृंगार करोगी उर्वशी? होना तो वही है जो नित्य होता है। हम नित्य करेंगे, देवराज इंद्र कुछ प्रशंसा के बोल बोलेंगे, बस। रंभा, आज उर्वशी देवराज इंद्र को अपने सौंदर्य और नृत्य से मंत्रमुग्ध करने वाली है। देवियों, देवराज इंद्र ने सूचना भिजवाई है कि आज दरबार में होने वाला नृत्य स्थगित किया जाता है। परिश्रम और अभ्यास किया था हमने और देवराज इंद्र ने नृत्य स्थगन का आदेश दे दिया। ऐसा क्यों किया देवराज इंद्र ने? मुझे तो इसकी आशंका पहले से ही थी। रावण के कारण ही देवराज खिन्न भी है, वो तो सेना तक लेकर निकल पड़े थे युद्ध करने को। हमें देवराज से भेंट करनी चाहिए। नहीं चित्रा, इस समय उनसे नृत्य आदि की बात करना अनुचित होगा। स्वर्ग की महारानी शची पधार रही है।
महारानी, प्रणाम महारानी। आप एकाएक यहाँ रंगशाला में? हाँ, तुम सबके लिए एक सुखद समाचार है। तुम्हारी परम सखी के जीवन में आज सुनहरा अवसर आया है। आप किस सखी की बात कर रही हैं महारानी? पुंजिक स्थला की उर्वशी, जो अब धरती लोक में हनुमान की माता अंजना है। आज अंजना के पुत्र हनुमान को अल्पायु में ही युवराज के पद पर सुशोभित किया जा रहा है। अच्छा, आज तो सचमुच ही पुंजिक स्थला अर्थात अंजना के जीवन का सबसे सुखद दिन है। हाँ उर्वशी, बड़ा ही चमत्कारी और दिव्य बालक है वो, और अंजना भी संसार की श्रेष्ठतम माताओं की गणना में आ चुकी है। चलो अच्छा ही है, पृथ्वी पर जाकर ही सही, कुछ तो श्रेष्ठता मिली उसे, अन्यथा स्वर्ग में तो वो एक साधारण अप्सरा थी। क्यों उर्वशी, तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? मुझे क्यों ईर्ष्या होगी महारानी, स्वर्ग के सुख पृथ्वी पर कहाँ। अच्छा सुनो, सुमेरु से स्वर्ग में भी निमंत्रण आया है, तो हमने सोचा वो तुम्हारी सखी है, तुम सब चली जाओ वहाँ, उससे मिल भी लोगी और हमारी ओर से उसे उपहार भी दे देना। यदि आप और देवराज चाहते हैं तो हम अवश्य जाएंगे वहाँ। महाबली उद्भट योद्धा पंपासर नरेश पधार रहे हैं। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। आपका स्वागत है। देवगुरु बृहस्पति पधार रहे हैं। पितामह आपका स्वागत है। देवियों आपका स्वागत है। कदाचित आप सब स्वर्गलोक से पधारे हैं। हाँ महाराज केसरी, मैं उर्वशी, ये चित्रा और ये रंभा, देवराज इंद्र और देवी शची इंद्रानी की ओर से हम स्वर्गलोक से आपके पुत्र हनुमान को आशीर्वाद देने आए हैं। आसन ग्रहण कीजिए। भाग्य तो देखो, महारानी और राजमाता हो गई है यहाँ। चित्रा सत्य कहा, हम तो बस अप्सराएं बनकर रह गई, मात्र नृत्यांगनाएं, और ये यहाँ राजमाता बनकर सबका सम्मान पा रही। अब हमें विधान आरंभ करना चाहिए। अब युवराज अभिषेक का विधिवत श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश, पुरोहित जी, ये श्री गणेश क्या होता है?
ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरित पुनरीकाचं स पाभ्यन्तरः शुचिः ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवेतु सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम दुग्धं समर्पयामि ओम घृतं समर्पयामि ओम तिलं समर्पयामि ओम पुष्पं समर्पयामि अब हनुमान युवराज पद की शपथ ग्रहण करेंगे। हनुमान पुत्र, राजपुरोहित जी जो तुम्हें कहे तुम्हें वही दोहराना है। मैं समझ गया माँ। मैं सुमेरु महाराज केसरी और राजमाता अंजना पुत्र हनुमान युवराज पद की शपथ लेता हूँ। मैं सुमेरु महाराज केसरी और राजमाता अंजना पुत्र हनुमान युवराज पद की शपथ लेता हूँ। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ अपने पद की मर्यादा और गरिमा का ध्यान रखूँगा। मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अपने पद की मर्यादा और गरिमा का ध्यान रखूँगा।